दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। प्रेशर जिसे हिंदी में बोलते हैं दाब। दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट आपने देखा होगा, जैसे बार, PSI, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या MPa जिसे मेगा पास्कल बोलते हैं। दोस्तों ये सभी होते क्या है इसको भी हम अच्छे से इसमें वीडियो में समझ लेंगे। और साथ साथ दोस्तों बता दूं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं प्रेशर के लिए, तो वो सारे पॉइंट्स हमने कवर किया है। जैसे कि प्रेशर होता क्या है या क्या होता है, प्रेशर को किस यूनिट में या किस इकाई में मापते हैं, प्रेशर गेज क्या होता है, साथ ही साथ दोस्तों इसमें समझेंगे कि प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं और इसमें शॉर्ट ट्रिक को भी हम अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे बार, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो पास्कल होता है, MMHg होता है, HPa होता है, इसको PSI में कैसे बदलते हैं, इन सभी पॉइंट को इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। और सारे पॉइंट कहीं ना कहीं इंटरव्यू से रिलेटेड भी होते हैं। दोस्तों इसे शुरू से अंत देखें ताकि कोई भी डाउट ना रह पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारे बारीकियों को, और स्टार्ट करते हैं प्रेशर या दाब से रिलेटेड कुछ पॉइंट को लेते हुए। दोस्तों प्रेशर का अस्तित्व हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। जैसे बैरोमीटर में प्रेशर के घटने बढ़ने से मौसम का पूर्वानुमान लग जाता है। ऊंचाई जैसे पहाड़ों पे खाना बनाने में अधिक कठिनाई लगता है, और मरीज के ब्लड प्रेशर को मापकर सेहत का अनुमान लग जाता है, इत्यादि ये सारे प्रेशर से रिलेटेड बातें हैं। आज के दौर में अधिकतर मशीनों में प्रेशर को कंट्रोल करके कठिन से कठिन काम को मिनटों में किया जाता है। जैसे गाड़ी प्रेशर द्वारा ट्रॉली पर लदे माल को आसानी से उतार देता है। आपने ये सभी चीज़ें देखी है, तो वायुमंडलीय प्रेशर से रिलेटेड बातें आपको समझ में आती है। गैस प्रेशर होता है, लिक्विड प्रेशर होता है, वैक्यूम प्रेशर होता है और सॉलिड प्रेशर भी होता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट है क्योंकि वायुमंडल प्रेशर होता है जो कि हमारे ऊपर लगता है, गैस प्रेशर होता है जो कि पाइपलाइनों में होती है या कहीं में जो सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर पार्ट्स होते हैं उसमें आपको प्रेशर देखने को मिलता है, लिक्विड प्रेशर पाइपलाइन में आपको देखने को मिलता है, वैक्यूम प्रेशर भी जो हमारे पाइपलाइन होती है या कोई आपका सिलेंड्रिकल इक्विपमेंट होता है उसमें प्रेशर होते हैं, उसको प्रेशर को निकाल देते हैं तो वैक्यूम हो जाता है। और जो सॉलिड प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं ठोस पे हमने प्रेशर लगाया, किस चीज़ को ठोका तो उसमें एक सॉलिड प्रेशर लग जाता है। तो प्रेशर जो होता है दोस्तों क्या होता है, चलिए हम इसको समझ लेते हैं। किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब या प्रेशर कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रेशर का फॉर्मूले का, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है P = फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कि बल बटा क्षेत्रफल। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाला है, अगर एरिया कम रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा आएगा क्योंकि एरिया नीचे है और फोर्स ऊपर है, तो इसका मतलब प्रेशर अगर बढ़ाना है तो एरिया कम करना पड़ेगा। तो एफ अगर मान लेते 60 न्यूटन और एरिया 10 है तो जो फोर्स जो हमारा प्रेशर जो होगा वो होगा 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। अब यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट यही समझनी है दोस्तों कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पर स्मॉल एरिया और लार्ज एरिया का हमने एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे कील है, कील को अगर हमें दीवार में ठोकना है या किसी काठ में ठोकना है तो वहाँ पर अगर हमारा कील हम जहाँ पर नुकीली होगी वहाँ उसको अगर हम उसमें ठोकेंगे मतलब दीवार में लगाएंगे तो आसानी से वो कील अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर हमने जो कील का लार्ज एरिया है अगर उसको हमने दीवार पर रख दिया और उसके नुकीले पार्ट पर अगर हम चोट मार रहे हैं तो वो लार्ज एरिया होने के कारण क्या होगा, प्रेशर हमारा वहाँ पर हमें प्रेशर हम जो देंगे वो बहुत कम हमारा उस पर वर्क करेगा, कम काम करेगा। अर्थात अगर हमें किसी चीज़ पर अगर सॉलिड है और उस पर हमें प्रेशर लगाना है तो उसके लिए प्रेशर अगर ज़्यादा दिखाना है उस एरिया में तो कम एरिया हो और बल हम उस पर ज़्यादा लगाते हैं तो जो हमारा बल लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा और प्रेशर जो होगा हमारा बल अगर बल ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। तो बल तभी ज़्यादा लगेगा जब एरिया वहाँ पर कम हो जिस चीज़ को हमें जिस चीज़ पर हमें फोर्स लगाना है। दाब एक अदिश राशि है, इसकी ऐसा ही इकाई पास्कल है और 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब की और भी इकाई होती है दोस्तों, और भी इकाइयाँ होता है, जैसे कि आपको देखने को मिलता है बार, सबसे मतलब फेमस ये सारे इकाई हैं जैसे बार, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, PSI और जो पास्कल होता है PA या MPa, ये सारे यूनिट जो होते हैं बहुत ज़्यादा गेज प्रेशर जो होता है उसमें आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रेशर को किस इकाई में मापते हैं, तो दोस्तों अभी जस्ट पिछले पॉइंट में हमने कवर किया था इसको, लेकिन एक बार फिर बता दूं कि प्रेशर को निम्न इकाई में मापा जाता है, बार, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
PSI और PA मतलब पास्कल और MPa मेगा पास्कल, MM HG मतलब कि मिलीमीटर मर्करी और HPa ETC ये सभी में इनको मापा जाता है। प्रेशर गेज क्या होता है? किसी भी बंद पाइपलाइन या टैंक के अंदर उपस्थित पानी, हवा, गैस, तेल इत्यादि के प्रेशर को बताने वाले गेज को प्रेशर गेज बोला जाता है। आपने इस तरह के गेज देखा होगा कंपनीज में या कहीं भी, जो भी मशीनरी चीज़ होती है जिसमें प्रेशर एयर की प्रेशर को के द्वारा कोई काम कराया जाता है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको, ये गेज मीटर आपको देखने को मिलता है। एसी वाले जो होते हैं वहाँ पर आप जो उनका जो पाइपलाइन को चेक करना होता है कि इसमें गैस है या नहीं, तो वो भी अपने साथ गेज, हाई प्रेशर गेज, लो प्रेशर गेज या कंपाउंड गेज लेके चलते हैं। इंडस्ट्रियल प्रेशर गेज की रीडिंग आपने देखा होगा समान रूप से केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में या PSI या बार में देखने को मिलती है। तो अधिकतर जो पॉइंट है आपको ध्यान देना है कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और PSI और बार, ये इंडस्ट्रियल में ज़्यादा यूज होते हैं और ज़्यादा देखने को इस तरह के प्रेशर गेज मिलते हैं। प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं? प्रेशर इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट एब्सोल्यूट प्रेशर, सेकंड गेज प्रेशर, थर्ड वैक्यूम प्रेशर, फोर्थ एब्सोल्यूट प्रेशर। हमने यहाँ पर एक प्रेशर के लिए लाइनअप किया है, यहाँ पर हम ग्राफ के माध्यम से आपको प्रेशर को इंडिकेट करेंगे। ये हो गया प्रेशर और ये हो गया आपका एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होता है जो कि वहाँ पर वैक्यूम मतलब जीरो वैक्यूम मतलब फुल्ली वैक्यूम, यहाँ पर कोई भी प्रेशर नहीं रहता है, तो उस चीज़ को, उस पॉइंट को हम जीरो प्रेशर बोलते हैं और वो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होता है। हम प्रेशर को मेजर करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो लेवल होता है उस पॉइंट से हम मापते हैं। तो ये हो गया हमारा जो एब्सोल्यूट प्रेशर, जो एब्सोल्यूट जीरो है उसके ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो होता है प्रेशर वो होता है पॉजिटिव प्रेशर, और उसी पॉजिटिव प्रेशर को हम गेज प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि गेज प्रेशर क्या होता है, और गेज प्रेशर जो है उसके जस्ट नीचे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके नीचे से जो प्रेशर होता है वो वैक्यूम प्रेशर होता है, और उसे निगेटिव प्रेशर के नाम से जाना जाता है। तो आपने समझा कि जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होता है वो क्या होता है, और पॉजिटिव प्रेशर जो होता है क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, और वैक्यूम या निगेटिव प्रेशर क्या होता है उसको समझ लिया। और जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से ऊपर जो भी प्रेशर होती है वो होती है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है पॉजिटिव प्रेशर प्लस निगेटिव प्रेशर दोनों को जोड़ने से जो प्रेशर मिलता है वो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो दोस्तों यहाँ पर आपने प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं वो समझ लिया, और पॉजिटिव प्रेशर, निगेटिव प्रेशर या गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर क्या होता है ये भी समझ लिया। और प्रेशर को मापने के लिए हम अब जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके लेवल से ऊपर की जो प्रेशर होती है वो पॉजिटिव, और उसके नीचे होती है प्रेशर वो होती है निगेटिव, और जो पूरा वैक्यूम होता है उसे कहते हैं जीरो प्रेशर या एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। और एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो होता है पॉजिटिव प्लस निगेटिव प्रेशर के जोड़ को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। अब बात करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक की, तो शॉर्ट ट्रिक हम समझेंगे कि बार, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पास्कल, एमएम, एचजी और एचपीए को पीएसआई में बदलना सीखेंगे। दोस्तों ये सिंपल पॉइंट है, याद करने वाला है, बार टू पीएसआई समझते हैं। 1 bar इज इक्वल टू होता है 14 आपको 504 PSI, और 2 bar का लिखेंगे तो हम 29.0075 निकल के आ जाएगा PSI में वैल्यू। अब यहाँ पर याद करने वाला है पॉइंट कि 14.504 से बार के मान को गुणा करने से PSI का मान मिल जाता है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो पॉइंट है 1 bar का हमने वैल्यू याद कर लिया तो 2 bar का निकाल लेंगे, 3 bar का PSI में निकाल लेंगे। अब बात करते हैं 1 PSI इज इक्वल टू होता है 0.0689 bar, तो 2 PSI इक्वल टू हो जाएगा 0.137895 bar। अब तो याद करने का पॉइंट क्या हो गया कि 0.0689 से PSI के मान को गुणा करने से बार का मान मिल जाता है, बस ये याद करना है। अगर आप डीपली नॉलेज चाहते हैं तो आप कमेंट करें ये बार का जो वैल्यू है 14.504 कैसे आ गया, ये भी हम आपको समझाने के लिए और नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को PSI में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 1 kg इज इक्वल टू होता है 14.2233 PSI, और 2 kg इक्वल टू 28.4467 PSI। तो इससे यह कवर होता है कि 14.2233 से बार के मान को गुणा करने से PSI मान मिल जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो
एक केजी का जो वैल्यू है वो याद रखना, बाकी दो केजी तीन केजी का आप निकाल लेंगे। और वन पीएसआई इक्वल टू होता है 0.07307 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 10 अगर 100 पीएसआई का वैल्यू निकालेंगे तो 7.0307 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आपको इतना याद रखना है कि 0.07307 से पीएसआई के मान को गुणा करने से केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मान मिल जाता है। तो अगर आपको पीएसआई मान पीएसआई को केजी में कन्वर्ट करना है तो बस आपको एक केजी एक पीएसआई का वैल्यू याद रखना है। अब पास्कल टू पीएसआई कन्वर्ट करते हैं। वन पास्कल इज इक्वल टू होता है 0.000145 पीएसआई। तो अब आपको हम यहाँ पर 10,000 पास्कल का बात करें तो 1.45 पीएसआई होता है। तो इतना याद रखना है कि 0.00145 से पास्कल के मान को गुणा करने से पीएसआई का मान मिल जाता है। तो यहाँ पर पास्कल बहुत छोटा यूनिट होता है, आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। वन पीएसआई इज इक्वल टू होता है 6894.757 पास्कल। तो 10 पीएसआई इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 6894.757 पास्कल। तो आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि 6894.757 से पीएसआई के मान को गुणा करेंगे तो हमारा पास्कल में निकल जाएगा। एमएमएचजी जिसे मिलीमीटर मर्करी टू पीएसआई में कन्वर्ट करना है तो 1 MMHg इज इक्वल टू होता है 0.01933868 पीएसआई। अब इस तरह से 100 का एमएचजी का मान निकालेंगे पीएसआई में और आपको याद हो जाएगा कि एमएचजी के मान को पीएसआई में गुणा करने से आपको पीएसआई मान मिल जाता है। मतलब कितना से गुणा करने से लिखा हुआ है तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और 1 पीएसआई इज इक्वल टू होता है 51.7149 MMHg और 2 पीएसआई का वैल्यू एमएचजी में आपको 103.43 होता है। अब इससे यह निकल जाता है कि आपको 51.7149 से पीएसआई का मान गुणा करने से आपका एमएमएचजी मान मिल जाता है। एमएमएचजी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह डॉक्टरी में यूज किया जाता है। इससे रिलेटेड अगर बात आपको समझना है तो आप कमेंट्स करें, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और डोंट फॉरगेट टू लाइक।